ओके okay. तो 7.3 एक्सरसाइज हम करेंगे उसकी थियोरी ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं देखो आपको इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर द टू आइसोसकेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टाइसिस एंड डी आर द सेम वर्टाइसिस सॉरी एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बीसीडीड एडीजेंडेड टू दू इंटरसे करते हैं बीसी को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो हमें बताना है कि ए बी डी कॉन्ग टू ए सी डी तो ए बी डी दूसरा ए सी डी ओके

ए डी तो ये दोनों ट्राइंगल को हम उसमें ए डी कॉमन है वो तो देख गया ओके फिर दूसरा कैसे करेंगे यस yes, बोला दिया बोल दिया गया दैट इज आइसोस्केल ट्राइंगल विद द सेम बेस बे उनमें में क्या कॉमन था बीसी तो बीसी किसी के साथ किसी और साइड के साथ मैच होने वाला या इक्वल होने वाला नहीं था तो BC के अलावा की दो साइड कौन सी हो गई AB एंड AC और DBC में कौन सी साइड हो गई डी बी एंड डीसी बोल दो यस और नो तो तीनों साइड आई तो कौन सा रूल लगेगा गुड एंसर ध्यान देना इन ट्राइंगल ए बी डी ACD ट्राइंगल डी ओके आपको पता है सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू क्या दिया गया ए सी दैट इज गिवन फिर दूसरा क्या दिया गया बी डी इक्वल्स टू अगेन दिस थिंग आल्सो गिवन एंड ए ए डी इक्वल्स टू ए डी विच साइड कॉमन देर फोर बाय ए बी डी चलो अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखना बी दो बी कलेक्ट हुए तो सामने कौन कॉमन है तो बी की जगह पे सी अगर बी की जगह पे सी आता है तो ए की जगह पे ए तो पहला ए या पे पहला ए दूसरा बी बी डी का सॉरी बी का सी एंड डी का डी ए कॉनक्यूर एंड देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्यूल ट्राइंगल ए सी डी बोलो को डाउट कंफर्म ओके अभी आपको और क्या बताना है एबीपी एंड ए सी बी बोलो रोनक ओके बीपी इक्वल्स टू पी सी कहा से आएगा कहा बोला है लेकिन चेक इट चेक इट आउट रुको रुको पढ़ो पूरा क्वेश्चन पढ़ो कहीं पे बोला है कि पीस मिड पॉइंट या मीडियन तो फिर नहीं बोल सकते हाँ वो चलेगा वो दौड़ेगा वो स्मार्ट बच्चा है एक ना बोला दूसरा निकाल के लाया वो सर मैजिक की तरह चलो कोई बात नहीं तो पहला आपको मिल गया नवदा भी तुम्हारा टन आज के लक्ष्य में नहीं आएगा तुम रख दो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी चलो नवदा को मना कर दिया उसके अलावा के लोग बोलेंगे और उससे पहले एक चीज मुझे बता दी ए बी इक्वल टू ए सी चलो और कोई बताओ दूसरे लोग अगर ए बी इक्व टू ए सी देखो पहले ए बी पी ट्राइंगल ए रहा और ए सी ए सी पी आना चाहिए ना मैंने गलती गलत की लिखा है कहना चाहिए ए सी पी ओके तो बेटा फटाफट से दिखे ए ए बी पी ट्राइंगल है ए ए सी पी ट्राइंगल है जिसमें मुझे ए बी और ए सी तो बता दिया गया है बोलो जाफर ए टू ए पी इक्वल्स टू क्या नहीं ना बोलो कोई बात नहीं अब नहीं तुम्हें पता है प्राची बोलो बीपी और सीपी नहीं आएगा ना क्योंकि कहां से बोलेंगे रुको हा तो तब जब जब ज पूछ ओके चलो इसके सिस्टम ने आंसर दे दिया नहीं है इसलिए घर का नहीं लिखेंगे बात समझ में आया आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा कि अगर बी टू बीपी इक्वीसी लिखना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ दिया है पी इज मिड पॉइंट बट नहीं दिया तो हम डायरेक्ट लिख सकते नहीं है बात समझ में आया ओके एग्जामिनेशन में कुछ भी बस रखो रखो एग्जामिनेशन में कुछ भी लिखने से पहले सोचना कि मैं लिख सकता हूं या नहीं बात क्लियर है फिर आप अपने हिसाब से लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं बट यस डेफिनेटली एपी एपी क्या था कॉमन था बराबर ना हा या ना ओके जिनको तीसरा मिल गया हो प्लीज रेज योर फिंगर पहले ए क्या था गिवन और यहां पे हम क्या लिखेंगे कॉमन साइड ओके okay? और आपको एक हिंट देता हूं जब आपको दो साइड मिल जाए एक साइड कौन सा मिला ए बी दूसरा कौन सा मिला एपी तो दो साइड के बीच का एंगल कौन सा बना बी ए पी यहाँ पे एक साइड कौन सा मिला ए सी दूसरा एपी तो कौन सा कौन सा एंगल मिला सी पी क्या मैं बी ए पी एंड सी पी को सेम बोल सकता हूं नहीं इसमें इसमें डी है ही नहीं ए हाँ जिनको पता चल गया वो अभी यस रखे ए पी बी फिर ए पी सी बट कैसे बोलोगे किसने बताया परपेंडिकुलर है किसी ने नहीं बताया ना हाई या ना किसने बताया हाँ वो तो बल्कि तुम्हें वो तो बल्कि तुम्हें क्या करना है देखो प्रूव करना है एंगल तो मैंने बता दिया आपको सोचना यह है कि वो दोनों एंगल सेम कैसे हो गए कौन से थ्योरम से चिंतन क्या था सेवन पॉइंट टू नहीं वो अलग है चलो वो तो वो लेना हो तो एबी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है पूरा सी और ए सी का ऑपोजिट कौन है बी बट हम मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा हूं मैं तो दो साइड एबी एंड एपी के बीच के एंगल पे जा रहा हूं रोशनी सोचना है आप लोग अगर घर पे जाके मेहनत नहीं करोगे इसी चैप्टर में सबसे मार्क्स ज्यादा गवा बैठोगे बोलो बेटा। कॉमन कैसे ए नहीं ऐसे नहीं आएगा ना लेकिन देखो आर्म्स चेंज हो जाते हैं ना बी ए पी इतना छोटा सा एंगल होता है और इधर सी ए पी ए छोटा एंगल होता है तो फिर कॉमन एंगल तो नहीं हो गए ना आया बेटा समझ में कॉमन एंगल तब होता वही दो आम पे आप जाते दो बार बार है ना ओके नो नो नौदा समझ नहीं आया मुझे कॉन्सी तो अभी हमने निकाली कहा है ए हाँ वो तो दिया है हा तो हाँ तो हो सकता है ना मैं कहा मना कर रहा हूं लेकिन वो रूल चेंज हो जाएगा एस एस ए हो जाएगा और मैं अभी एस ए एस के पीछे पड़ा हूं हो सके तब तक मैं दो साइड के बीच का इंटीरियर एंगल दूंगा समझ में मैंने ये क्यू लिखा बिकॉज एंगल बी ए पी को हम बी ए डी बोल सकते हैं नो आई या नो और एंड एंगल सी ए पी को क्या बोल सकते हैं सी ए डी बोल सकते हैं यस और नो एंड ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्यूर ट्राइंगल क्या था ए सी डी तो ए सी डी में बाई सी पी सी टी एक काम कर लो ना इस, इसको इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे मैंने ना अब कभी भी कुछ चीज प्रूव करो ना उसके नीचे एक दो जगह रख लेना देर फोर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी यहाँ पे देखिए बी ए डी बी ए डी क्या होगा सी ए डी बाय सी पी सी टी इसको नंबर क्या दे देता हूं वन एंड बाई वन ऐसा लिख देते तो देखो बी एडी एंड सी एडी तो सेम है ही है ये बता रहा है हा या ना बट बी एडी की जगह पे कौन है बाप बी ए पी और सीएडी की जगह पे पन, कौन है सी पी साप ओके <laughs> okay, तो बाप साप भी क्या हो गया कॉमन हो गया हाँ आप वो वाला भी यूज कर सकते थे मैं मना नहीं कर रहा हूं ए बी और ए सी सेम है तो ए बी सी और ए सी बी एंगल सेम होते फिर आप ए बी सी को ए बी पी बोलते ए सी बी को ए सी पी बोलते बट उसमें सेम ही हुआ ना आपको लिखना पड़ता है इन ट्राइंगल ए बी सी ए बीवल टू ए सी फिर ऑपोजिट एंगल फिर वो दो एंगल लाने पड़ते तीन लाइन तो उसमें भी जाती तो मैंने यहाँ पे सी सी पी सी टी बताया दो तीन लाइन तो इसमें भी सेम ही है लेकिन वो रूल हो जाता है आपका एस एस ए अब अभी, अभी होगा ए साइड बीच में एंगल और ए साइड आया समझ में आया हाँ ना जितना मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ उतना अच्छे घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है आपको है ना आप लोग तो बोलोगे नहीं कि आप सिखा रहे हो अच्छा इसलिए मैं खुद बोल दे रहा हूँ जितना अच्छे से मैं रहा <च़िए> आप तो नहीं बोलोगे ना कि नहीं सर अच्छा सिखा रहे हो हमें आ गया ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं आएगा वो तो फिक्स है ना अभी आंसू तो तब निकलेंगे ना जब काइट फेस्टिवल जाएगा अरे यार यार क्या अरे यार है ना अगर एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन से डरेगा तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन नहीं हो रहा है ऑपरेशन करने से डर रहा है डॉक्टर डॉक्टर का डौक्टर का प्रोफेशन क्या है है करना करना मरीज को हैंडल करना या ना है ना है ना और एक स्टूडेंट का प्रोफेशन में क्या आता है पढ़ाए एग्जामिनेशन आएगा कि नहीं चैलेंज तो वहां पे भी है चैलेंज यहाँ पे भी है और फिर आप डरे रहते हो एग्जामिनेशन तो फिर क्या मतलब है ना एक क्या अब दूसरी बात वो तो ठीक है डॉक्टर है ना डॉक्टर क्या करता है हर रोज के ऑपरेशन हर रोज कर देता है या महीने में कलेक्ट करता है हा? वो ऐसा करेगा कि भाई थर्टी डेट को मैं सारे ऑपरेशन कर दूंगा अभी मुझे गेम खेल लेने दो ऐसा हो सकता है आप सोचो सोचो दूसरा आपका पा, आपके पापा ओए आपके पापा ऐसा करेंगे कि नहीं सर अपने बॉस को नहीं सर अभी मैं दस दिन तो नहीं आऊंगा गेम खेल रहा हूं मैं अच्छे से लास्ट के दस दिन में पूरा मेहनत कर लूंगा चलेगा दूसरे दिन बॉस क्या बोलेंगे हाँ क्लियर है क्लियर है तो तो आप क्यों ऐसा करते हो तो सोचो आप ये सोचने वाली बात हुई कि नहीं आप ऐसा क्यों करते हो कि आज मैंने पढ़ाया सिर्फ होमवर्क वगैरह करके आ गए बाकी उसको अच्छे से रीड नहीं किया उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखने का ट्राई नहीं किया मेमोराइज करने का ट्राई नहीं किया आप उसको क्या करते हो नहीं उतारा करके जो भी करके आगे संभाल के रखते हो कि मैं एग्जाम के अगले दिन करूंगा मजाक है कुछ नहीं होता है फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं इसीलिए डेली का डेली करना चाहिए आया समझ में आया ना ओके और क्वेश्चन पढ़ के ये आंसर लिखना आना चाहिए नहीं तो कोई मतलब का नहीं है ओके बाय एस एस पहला कौन सा है ए बी पी कोरोस्प तो देखो बीच में ए है यहां पे भी ए बी के सामने ए के सामने ए बी के सामने सी और पी के लिए पी इज कॉन्ग्यूरेंट ओके एंड देर फॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्यूर ट्राइंगल ए सीपी कॉन्ग्यूरेंट में ऐसा आएगा वो सिमिलर का सिंबल है जो टेंथ में करना है बात हाँ क्लियर या ना देख लेता हूँ स्पेस नहीं है ना ओके मुझे यहाँ पे ही खत्म करना पड़ेगा हा मैं ऊपर ही कुछ करूंगा अब पहले तो यहां पे देखे डेर फॉर यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि आपको पहले एपी बाइसे एंगल ए एन डी वो बताना है ना आपको हाई या ना तो यहाँ पे ही हो गया ना ये तो यहाँ पे ही हो गया था तो बाई वन हम लिख सकते हैं देखो कैसे मैं बता देता हूं आपको गया हाँ ए कौन सा एंगल है और ये बी ए डी सी ए डी मेन एंगल कौन था ए था जिसको किसने बायसेक किया बीच में कौन सी लाइन हुई एपी है ना तो ए जो वन लिखा था उसी से ही हम लिख सकते हैं बाय वन वी कैन से दैट ए पी बायसेक एंगल ओके okay, अब डी में तो कैसे करेंगे अभी रुको डी में तो अभी हमने बताया ही नहीं ना क्योंकि अगर डी को बाइसेक्ट करना है किसको बाइसेक्ट करना है डी तो हम बी डी पी और दूसरा कौन सा सी डी पी सेम बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा सेम तो अभी तो वो एंगल पे हम पहुंचे ही नहीं है ओके चलो तो अभी अभी इसको रहने देते सॉरी ये दोनों साथ में लिखेंगे बट उससे पहले दूसरा कुछ हो सकता है तो व्हाट इज दैट एपी इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बी तो एपी इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बी बीसी को बायसेकट करेगा मतलब कि पी बीच में आना चाहिए तो यहां से हम लिख सकते ए पी सॉरी बीपी तो यहां से क्या आएगा सीपी अब हम लिख सकते हैं तो सीपी सिटी में वो डाल देता हूं कि एक हो गया आपका बीपी इक्वल्स टू सीपी दूसरा एक एंगल भी हो जाएगा एंगल ए पी बी यहां से मैंने लिखा ए पी बी तो पी सी क्या होगा एंगल ए पी सी ये दोनों कहां से आए आई सी पी सी टी नंबर क्या बोल देंगे टू आया समझ में ओके अब ध्यान देना बट आपको पता है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी है ना यहां पे लिखा है एपीबी एपीसी इक्वल्स टू क्या होगा वन एटी क्या लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल आप पूरा लिखोगे ओके okay? हाइया ना तो एपीबी तो एपीबी है बट एपीसी बी क्या है एपीबी है तो कितना हो गया देर फॉर टू एपी बी कितना होगा वन एटी देर फॉर एपीबी वन एटी डिवाइड बाई टू कितना होगा नाइनटी एपी बी नाइनटी नंबर थ्री ओके okay. अब टू है ना मैं वर्बली बोल रहा हूं आप अच्छे से वीडियो देखना टू और थ्री तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लिख सकते हैं बाई टू एंड थ्री टू में हमने बताया कि बीपी टू क्या है सीपी और यहाँ पे थ्री में हमने बताया कि एंगल कौन सा है नाइनटी एपी भी कितना है नाइन्टी एंड हेंस इट इज प्रूव की एपी इज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ BC आया समझ में बोलो को डाउट कंफर्म ओके बट अभी भी एक चीज बाकी है एंगल डी वाला अब यहां पे देखिए फिगर में हमने ये प्रूव किया कि ए जो एंगल है वो एंगल और ए वाला एंगल क्या है सेम इक्वल है कि नहीं ओके okay. ए बी इक्वल है ए बी डी और ए सी डी आइया ना ये भी इक्वल तो होगा लेकिन लंबा हो जाएगा अगर शॉर्ट में बताना हो इसलिए मैं सोच रहा हूं प्रू ही करना पड़ेगा अब प्रू में मैं है ना थोड़ा वर्बली बोल दे रहा हूं टिक टू ट्राइंगल्स डी बी पी दूसरा डी पी सी अब हमने तो प्रूव कर लिया कि नाइनटी का है ओके हमने ये भी प्रूव कर लिया बीपी इक्वल टू क्या है पीसी और हमने ये भी प्रूव कर लिया मतलब करने की जरूरत नहीं है डीपीडीपी क्या है कॉमन तो साइड एंगल साइडल फिर आप लिखोगे बी डी पी इक्वल्स टू सी डी पी हो गया ये दो मैच क्या लगा दोगे सीपीसी वर्बली मैंने छोड़ा है कर लोगे ना हाइया ना इसके बाद तो फिर लिखोगे उसको नंबर फोर कौन सा नंबर लिखोगे फोर और फिर वन में हमने एक एंगल बताया था और फोर में हमने डी एंगल बताया तो एक स्टेटमेंट आएगा कि वन एंड फोर, एपी, बाई एंगल ए एज वेल एज एंगल डी आया समझ में जैसे एंगल ए के लिए हमें कैसे कॉन्ग्यूरेंसी कौन्गुरें, प्रूव करनी पड़ी वैसे एंगल डी के लिए भी क्या प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्यूरेंसी कौन से दो ट्रैंगल लेने पड़ेंगे बी डी पी डी उसमें पीपी नाइनटी है बीपी इक्वल टू पी सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा हूं डीपीडीपी कॉमन एंड ए एस ए एस दो कॉन्ग्यू क्या मतलब ये दो क्या होगी कॉन्ग्यूरेंट तो फिर आप प्रूव करोगे सीपीसीडी से कि बी डी पी इक्वल्स टू सी डी पी देन यू कैन एबल टू से दो एंगल सेम मिले मतलब जो है एंगल डी को बाइसेक करे क्लियर मैं क्या बोलूं? नहीं ऐसे ऐसे ही हुआ ना एस बता बताना है क्या डीपी कॉमन ही है ना नहीं वो तो पहले से ही हो गया था ना बीपी इक्वल्स टू सीपी सेक्टर वाला तो ऑलरेडी हम लिख के आए ये सब लिखने के बाद हम इसके ऊपर जा रहे हैं और बाइसेक्ट बताना है वो किसको बताना है एंगल को एंगल को बायसेक बताना है मतलब ये डी एंगल है उसको बायसेक बताना है मतलब कि बी डी पी सी डी पी दो एंगल सेम प्रूव हैं बराबर ना इसीलिए हम डीपी कॉमन ले सकते हैं दोनों में दोनों ट्राइंगल में डीपी कॉमन लेंगे दोनों नाइनटी एंगल है वो भी हमने प्रूव कर दिया है और इक्वल टू क्या है पीसी वो भी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है इसीलिए हमने एस एस ए, रूल लगाया आया समझ में देखो कितने लंबे न्यूमेरिकल है कि मेरा क्या हुआ ये बाकी है बाकी नहीं है। मैंने हाँ मेरी मिस्टेक हो गई मुझे पता ही था कि लंबा न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने जब बनाया होगा तो दो स्लाइड छोड़ी होगी करवा दू अब इसमें कर लोगे नहीं मतलब वो आगे लिखा वो तो है लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा हिंट लिख ले द, लिख देता हूँ इन ट्राइंगल डी पी बी ये जो बाकी है ना वो स्टेप इन ट्राइंगल डी पी सी आपको पता होगा कि डी पी इक्वल्स टू तो क्या है डी पी क्या लिखेंगे कॉमन साइड थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा एंगल डी पी बी इक्वल्स टू तो एंगल डी पी सी कितना होगा नाइनटीन बट इसका रीजन हमने निकाल के रखा है कौन से नंबर पे थ्री नंबर पे ओके okay, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई थ्री और बी टू पी इक्वल्स टू पी टू सी बाई टू यह भी हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे बाई टू ओके हाइय फिर लगा देंगे बाई ए से डी पी बी क्रॉस पॉइंट चलो पी के सामने पी तो डी के सामने डी डी पी सी इज कॉन्ग्यूरेंट एंड देर फॉर ट्राइंगल डीपीबी कॉन्ग ट्राइंगल डीपीसी बी डी पी एंगल बी डी पी बी डी पी सी डी पी सी डी पी नंबर फोर और वन में तो ऑलरेडी ए के लिए था ही था तो बाय वन एंड फोर प्रूव होगा ए वाला ए एपी बाइसेक एंगल ए एंड एंगल डी शॉर्ट में किया क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है क्या हुआ भाई सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है एडीज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्क ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इक्व टू गिवन में चला जाएगा टू प्रू में हमें ए लिखना है आया समझ में तो सिंपल आपको एक ट्राइंगल लेना है एंगल है वो ए बी सी जिसमें ए ए ए बी टू क्या है A, C. और डी डी इज एल्टीट्यूड बीच में एक्जेक्टली मिड पॉइंट नहीं है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूडियम में फर्क समझना मीडियम हो तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बट एल्टीट्यूड हो तो 90 का एंगल डी इज मिड पॉइंट वो कोई गारंटी नहीं है बात क्लियर हुई हाइया ना पॉइंट्स को समझना क्या क्या यूज कर सकते हो फिर हमें पता ही ना हो डीज मिड पॉइंट और हम लिख के आए बी डी टू डी सी तो गलत हो जाएगा ना यस और नो ओके फिर आप चिल्लाते रहोगे कि स्कूल वाले सर ने गलत दे दिया गलत दे ही देंगे वो ओके एडी बाई सेट क्या वो हमें प्रूव करना है देखो बल्कि वो दिया नहीं है प्रूव करना है है ना तो हम क्या लेंगे दो ट्राइंगल तो मुझे क्लियरली दिख ही रहे इन ट्राइंगल एंड सी पहली बात तो एक बात फिक्स थी ए बी इक्वल एडीसी लिखा तो क्या ओके एंगल okay, लिखा वो वो मैटर करता है बट ए एडीसी में चलेगा ट्राइंगल लिखना है क्या लिखना है ट्राइंगल ओके ए बी इक्वल्स टू दैट इज गिवन वेरी गुड है ना जाफर को कुछ आए ना आए कॉमन साइड पक्का निकाल लेगा है ना हाँ गुड ए डी बी देखो यहां पे ए डी बी वाला ही आएगा किधर है ध्यान दे हाँ तो नहीं आएगा ना चलो ऑफ थार्ट नाइनटी एक मिनट के लिए अभी ध्यान हटा दो कहां से समझ में आएगा बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड इज गिवन एल्टीट्यूड दिया गया है ना तो देखो आपने एक बार ए वाला साइड लिया फिर A एंगल लिया और फिर सामने वाला साइड लिया है. तो एस 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 ए एस्पोंडिंग डी के सामने डी फिर डी के लिए डी हो तो ए के लिए ए बीच में कौन बाकी बचा सी देखो खुद नाम लेते हो ना तब ये चेंज हो जाता है मेजोरिटी केस में ओके okay? इज आया समझ में दैट यू कैन से लिए चाहिए ना बी डी क्या लेना पड़ेगा बी डी बी डी इक्वल्स टू सामने क्या आएगा चेक करो फटाफट यस yes, गुड कौन बोला बी डी इक्वल्स टू बी डी के सामने सी डी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना किसके लिए पूछता हूँ एक दो बच्चे के लिए पूछता हूँ मुझे बोलना पड़ेगा बार बार कि चलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो फिर सबका आंसर आए फिर मैं बीडी क्वेश्चन है ना चलो मेरे अब से बदलता हूँ मैं हरी जाफर अमित मंथन सिद्धार्थ तेरा नाम भूल गया हार्दिक ओके रोनू चिंतन ओके ऑल गर्ल्स बोलो कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा बट बोलते है ना दो ही लोग है हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इधर से तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है इधर से नहीं थोड़ा भी नहीं बदा बोलना है हाँ? थोड़ा थोड़ा नहीं सारा बोलना है है हाँ ना? आस्था हम छे की आवाज आ तो मन गम पड़े के नहीं भनी रही छू नहीं कुछ कंफ्यूज नहीं होते हैं है ना अगर बोलोगे तो सोचोगे और बैठे रहोगे तो इसके जैसे हाथ में ड्राइंग करते रहोगे और फिर मैं पूछूंगा क्या क्या तो बोलते ए डी बी आप बोलेंगे ना सब ओके तो बीडी यहां से बीडी लिया तो सामने कौन आया डेर फॉर डी ए बीसी के बीच में है ना डेर फॉर एडी बी सी आया समझ में आया ना अभी भी वो भी बताना है एडी तो ए कहां से आया बट मैंने एक चीज यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लगा लिया एक चीज बाकी रह गई थी ए बी डी कॉन्ग्यूरेंट ओके बात क्लियर नंबर टू ये तो प्रूव हो ही गया है ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी प्रूव हुआ है ना एंड देर फॉर एंगल बी ए डी यहां से देखिए बी ए डी है ना मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे मरिंग कर सकते हो हाँ सी ए डी क्या लिखू बाजू में और अगर बी C सी D सेम हो तो ये देखा रहा बी ए डी सी D बड़ा एंगल ए था जिसको किसने डिवाइड किया एडी ने डरफॉल लिख सकते हैं है एडी एंगल ए बोलो को डाउट या ना कंफर्म ओके खत्म नहीं होगा ओके okay, तीन न्यूमेरिकल बच जाएंगे टाइम हो गया इसे बट द थिंग इज वॉट आपको इत, इसका बहुत अच्छे सा प्रैक्टिस करना है हा गड़बड़ी नहीं करनी है वॉट इट और नेक्स्ट टाइम मुझे बोल बोल के टाइम ना वेस्ट करना पड़े कि बोलो 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 अपने आप से बोलना है सीखना है आया समझ में अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक सबको गुड बाय टेक केयर थैंक यू